नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी और आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, सर जिपमेर, एम्स, ESIC, इनकी वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो उनके लिए आज एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी होने वाली है। जिपमेर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। किन किन वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है और साथ साथ में इनकी योग्यता या एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पर मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। जिपमेर का नोटिफिकेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। जिपमेर 11, तो इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन है, यानी आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चों 22 फरवरी 2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च तक 4:30 बजे आपके फॉर्म लिए जाएंगे, उसके बाद में फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। 25 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 2 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो इन डेट को अपने को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, क्योंकि ये डेट आपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पोस्ट की बात करते हैं, किन किन की पोस्ट निकली हुई है। तो डेंटल हाइजीनिस्ट जो है उसकी पोस्ट निकली है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर उसकी पोस्ट निकली है, आपकी मेडिकल सोशल वर्कर, स्पीच थेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ये आपकी पोस्ट निकली हुई है। आप पोस्ट देख सकते हैं। अनरिजर्व वाले जो है उसमें ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी की भी पोस्ट एक्सरे टेक्नीशियन की निकली हुई है, मेडिकल सोशल वर्कर और आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की निकली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप सी में आपकी कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 5 पोस्ट अनरिजर्व, एक आपकी ओबीसी की है, एक ST की है, ठीक है, उनकी पोस्ट निकली हुई। ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन की आपकी एक अनरिजर्व पोस्ट है। डेंटल मैकेनिक की एक अनरिजर्व है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 12 अनरिजर्व पोस्ट है, 9 आपकी ओबीसी की, 4 ST की निकली हुई है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की आपकी एक पोस्ट है। परफ्यूजन की एक है। फार्मासिस्ट की 3 अनरिजर्व है, एक और 2 ST की है। फार्मा हो गया। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 आपकी अनरिजर्व है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की 2 है और यूरो टेक्नीशियन की 2 है। चलिए बात करते हैं फटाफट से आगे। इन जो ये जो वैकेंसीज निकली है इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है क्या क्या मांगी गई है। तो देखिए ग्रुप बी पोस्ट में आपकी डेंटल हाइजीनिस्ट जो है उसकी उसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास कौन से BSc होनी चाहिए, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस ये आपकी चल जाएगी, ठीक है। साथ में आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीन में। कोर्स आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप जो पे स्केल देख रहे हैं ये 35,400 देखने में लग रहा है, पर ये जब इन हैंड आता है तो अपने 50-60 के अप्रोक्स आ जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश में। आपके हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ में मेडिकल सोशल वर्कर में मास्टर डिग्री, सोशल वर्क में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, साथ में स्पीच थेरेपिस्ट जो इसमें आपके अगर BSc है आपके पास तो नन एक्सपीरियंस रिक्वायर है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपका क्या है 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सॉरी इसमें जो है इसमें BSc डिग्री के साथ में आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, साथ साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। SLP में मांगा है, आगे वाली पोस्ट में एक में नहीं मांगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। तो BSc अगर रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखा है तो बहुत सुनहरा मौका है, और साथ में आपको अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फटाफट से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी जो है खतरनाक है भाई, मजेदार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट जो है उसमें अगर आपके पास डिग्री है तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर। 25,500 लेवल 4 की मैट्रिक 7 CBSE के अनुसार आपको पे ग्रेड दी जाएगी, ये भी अप्रोक्स 40 के समथिंग चल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन डिप्लोमा जो है उस ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल मैकेनिक के लिए। आपके पास अगर 10+2 साइंस से और अगर आपने 2 ईयर का कोर्स किया है और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो फटाफट से क्या करें, फॉर्म को अप्लाई करें बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12th क्लास होना चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ऑप्थेल्मिक के लिए आपका 10+2 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर होगा।
परफ्यूजन असिस्टेंट के लिए डिग्री अगर आपको है तो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, डिप्लोमा के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। फार्मासिस्ट में डिग्री के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो डिप्लोमा के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर है, साथ में आपको फार्मेसी काउंसिल में भी रजिस्टर होना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में डिग्री होनी चाहिए, डिग्री अगर आपके पास है नन एक्सपीरियंस रिक्वायर है, डिप्लोमा अगर है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर सेकंड, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में अगर आप 12th पास आप चल जाओगे पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए भैया। नेक्स्ट बात करते हैं यूरो टेक्नीशियन आपका जो है अगर आपने डीआरटी किया बीआरटी किया, डीआरटी अगर किया है और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीआरटी अगर कर रखा है कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूरो टेक्नीशियन यानी आपकी जो यूरो सर्जरी है उसमें जाके सिर्फ आपको सीएम चलानी है, अल्ट्रासाउंड चलानी है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा जानते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला हुआ तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, स्टेट खेला हुआ है नेशनल खेला हुआ तो आपको सेकंड दी जाएगी, थर्ड प्रेफरेंस आपको अगर यूनिवर्सिटी के लिए तो दी जाएगी, फोर्थ प्रेफरेंस आपने अगर स्टेट स्कूल खेला है तो आपको दी जाएगी, फिफ्थ आपको अगर आपको नेशनल अवार्ड मिला तो दी जाएगी, और अगर सिक्स प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिसने रिप्रेजेंट किया स्टेट या फिर टेरिटरी या फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट स्कूल को। नेक्स्ट बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपकी साइट है jipmer.edu.in, इस पे जाइए और फटाफट से क्या करना है आपको अप्लाई करना चालू कर देना। याद रखिए 22 फरवरी से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस आपकी अनरिजर्व्ड के लिए 1500 है, ओबीसी के लिए 1500, एससीएसटी के लिए 1200 आपकी रखी गई है। इसके साथ साथ अगर आप करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, करेक्ट आपका आंसर है तो +4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर पे हर एक आंसर रॉन्ग पे आपके -1 जो है मार्किंग काटा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी जिपमेर की वैकेंसी जिसका बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, तो ये आ चुके हैं, फटाफट से फॉर्म अप्लाई करें। क्लासेज जो है इसकी अपनी क्लास पे भी कंटिन्यू, अपनी कोचिंग में भी कंटिन्यू लग रही है, बाकी में भी लगी रही है, ठीक है। तो फटाफट से स्टडी करें और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, फटाफट से अप्लाई करें और सिलेक्शन लें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।